भोले बाबा जी की। हाँ नमस्कार राजेश जी, कैसे हैं आप? जय भोले बाबा जी की प्रभु जी। जय भोले बाबा जी की, जय भंडारी जी। और कैसे हैं सर? कृपा है पूरी भोले बाबा जी की प्रभु जी, आप बताइए। मैं ठीक हूँ सर, मैं ठीक हूँ सर। अब तो आपको पता है सर, ये सवाल सारे एक ही सवाल पूछते हैं, आप परेशान भी रहते होंगे। आप भी वही पूछने वाले हैं क्या? मैं ये नहीं पूछने वाला, मैं ये पूछने वाला हूँ कि आपको क्या लगता है कब तक डेट आ जाएगी, आज या कल, कब तक आ जाएगी? मुझे तो ये लगता था कि मतलब साइन बोर्ड को सोच समझ के फरवरी में डेट दे देनी चाहिए थी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अब पता नहीं कि, अब कहते हैं ना कि किसी के क्या हालात हैं, हम यहाँ से बैठ के अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो गवर्नमेंट के क्या हालात हैं, सुरक्षा एजेंसियों के क्या हालात हैं, उसके बारे में कुछ भी बोलना गलत होगा। पर यह है कि हर साल का ही हो गया है, हालात हों तो एक आधी बार के होते हैं तो मान लेते हैं। हाँ जी। लेकिन साइन बोर्ड का हर साल का ही हो गया, डेट में भी डेट करते हैं, फिर मेडिकल के लिए इसका अपडेट नहीं होंगी, रजिस्ट्रेशन में परेशानी आएगी। तो मतलब ये मानो टकरे मारते हुए भोलेनाथ जी के दरबार पहुंचता है भक्त बेचारा। हाँ इस बार तो बहुत लेट हो गया, पर मेरा तो, हमारा तो ऐसे, मैं तो हिमाचल में हूँ ना, मेरे तो यहाँ से पालमपुर से बस जाएगी, मतलब हमको तो ये सुख है कि बस की टिकट तो मिल ही जाएगी। प्रभु हाँ वो तो है, लेकिन वो ये कि हमें तो सबका देखना पड़ता है ना। हाँ, मैं भी नहीं, वो बात तो आपकी थी, हम भी यही चाहते हैं कि सबका ही हो जाए, ऐसी कोई बात हाँ, नहीं। कुछ ऐसा हो जिसमें बेचारे जो मतलब नेपाल से आने वाले हैं, बंगाल से हाँ, आने वाले हैं, बताओ सबका भला हो जाए, पर वो क्या करें अब। हाँ जी, तो कब तक आ जाएगी सर डेट, कुछ पता है? आपके तो सोर्स होते हैं ना। नहीं, सोर्सों के हिसाब से तो यही है कि इन्फो जो मीटिंग हुई है उसके हिसाब से डेट बता दी गई है। क्या सर, क्या हुआ, क्या क्या डेट बताइए? जो देखते नहीं है ना। नहीं देखता हूँ सर, कई जगह 27 जून से लेके 30 अगस्त तक डेट बताई गई है जो कि मीटिंग हुई है। लेकिन उस मीटिंग में एक मुद्दा और भी उठ गया है कि सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है कि इतनी लंबी जब आप यात्रा चलाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें हमें दिक्कत आएगी, लेकिन वहाँ टूरिज्म कह रहा है कि यात्रा को लंबा चलाना चाहिए ताकि लोकल लोगों का भी रोजगार बढ़े और टूरिस्ट आता रहे। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि बाबा अमरनाथ जी की यात्रा पे जाएंगे तो बंदा खर्चा नहीं करेगा, टूरिस्ट का भी, ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा होता है, टेंट का भी खर्चा होता है, खाना पीना, फिर यात्री गुलमर्ग भी घूमते हैं, श्रीनगर भी घूमते हैं, तो काफी बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट के पास भी ना। बिल्कुल। तो इन्हीं बातों में बात चल रही है कि सुरक्षा एजेंसी के पास तो रेवेन्यू कोई होगा नहीं, उनको तो सुरक्षा देनी है तो उनको तो टेंशन रहेगी। वो चाह रहे हैं कि यात्रा थोड़े कम समय की हो, और दूसरे चाह रहे हैं टूरिज्म और लोकल की यात्रा जितना समय है 60 या 65 दिन का जो भी है उतनी यात्रा। तो उसके लिए इन्होंने अभी वेबसाइट पे डिक्लेयर नहीं किए हैं, हो सकता है आज कल में, या तो जो मैं बता रहा हूँ 27 जून से वो डिक्लेयर हो, या फिर कम टाइम का कुछ ये स्लॉट निकाल के और डिक्लेयर करें। और अगर मेरी बात करें, मेरे पास खबरें आती हैं, खबरें तो बहुत ऐसी ऐसी आती हैं कि मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा एक बोलना यूट्यूब पे ना काफी लोगों की टेंशन बढ़ा देता है। बिल्कुल। अगर मैं ये भी बोलूंगा ना कि ये खबर ओरिजिनल नहीं है तो लोग सोचेंगे बंदे ने बोला है, कहीं ना कहीं कुछ तो होगा भैया। हाँ बिल्कुल। तो खबरें तो मेरे पास सुबह से शाम तक इतनी आती है कि आप सोचो मत। नहीं वैसे मैंने ना एक क्लिप देखी थी सर, उसमें दिखा रहे हैं कि भी 2 तारीख से बता रहे हैं डेट। आपने सर एक ही क्लिप देखी, मैं दिन की कितनी क्लिप देखता हूँ आप खुद सोचो ना। आपने तो ढूंढ के देखी होगी, मुझे तो लोग ढूंढ ढूंढ के भेजते हैं। वो बेसिकली ना वो एक ITV करके एक न्यूज था, और न्यूज में मतलब जैसे टीवी में न्यूज आती है ना वैसी न्यूज। नहीं सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरी बात सुनिए, न्यूज में चाहे सारे चैनल वाले देते हैं चाहे सारे न्यूज़पेपर छापते हैं, कोई फायदा नहीं है जब तक शाइन बोर्ड की वेबसाइट पे डिक्लेयर नहीं होगा ना, जब तक कुछ नहीं हो सकता। तो हम शाइन बोर्ड की वेबसाइट को चेक कर रहे हैं, जैसे ही वहां पे मेंशन हो जाएगा यात्रा की डेट हम उस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है सर, एक बात है ना, जैसे कि जो शाइन बोर्ड जैसे अगर मतलब डिक्लेयर कर देता है न्यूज में तो एकदम आ जाएगा सर, ये अब एकदम आएगा या थोड़ा लेट आएगा इसके बाद। श्राइन बोर्ड उसी वक्त कर देता सर? नहीं नहीं, शाइन बोर्ड अपनी वेबसाइट पे डिक्लेयर करेगा, वेबसाइट पे डिक्लेयर करेगा तो वो कॉन्फ्रेंस भी करते हैं तो न्यूज में भी आ जाता है, और यहाँ हमें भी कोई ना कोई बता ही देगा कि शाइन बोर्ड ने अपडेट कर दिया तो हम भी वीडियो बना के डाल देंगे। अच्छा सर एक छोटा सा सवाल और था आपसे, फोन मिल गया तो बहुत छोटा सर। सर मतलब जैसे कि मैं यहाँ से क्या नाम पालमपुर से पहले जम्मू आऊंगा, मान लो पहलगाम से करता हूँ तो पालमपुर से जम्मू आऊंगा। आप पालमपुर में रहते हैं? नहीं नहीं सर, मैं यहाँ पे रहता हूँ, साथ में गाँव है संधोल। हाँ जी, हाँ जी, उसके साथ एक छोटा सा गांव है बैरी, सुना आपने? अरे यार जंगल बैरी और ये आप कक्कड़ बजरोल सब सुना हुआ मैंने। आपने ये सुना है सीओ? हाँ हाँ सुना है। सीओ और संधोल के रास्ते में छोटा सा गांव है बैरी, मैं वहाँ से हूँ। हाँ हाँ जी, जंगल बैरी बोलते हैं जंगल? नहीं नहीं, जंगल बैरी अलग है सर, उसके छोटा सा सीओ के सीओ रोड में संधोल सीओ रोड बजरोल सुना है? बजरोल हाँ थोड़ा सुना है, थोड़ा कक्कड़
हाँ जी अक्कड़ अक्कड़ सुना है। हाँ जी हाँ, मेरे पुश्तैनी घर वहीं पे है, मैं अभी धर्मशाला में हूँ। अच्छा, अरे तो पड़ोसी है मेरे। बहुत पास से निकल गया तो यार। अच्छा, ये ना मैं जैसे यहाँ से गांव यहाँ से जाऊंगा पालमपुर, पालमपुर से मुझे बस मिल जाएगी जम्मू के लिए। हाँ आपके पास पालमपुर भी ऑप्शन है, सुजानपुर भी ऑप्शन है, सुजानपुर से भी सीधी बस जाती है जम्मू ना। अच्छा, सुजानपुर से भी जाती है। हाँ, कटरा जम्मू जाती है बस, है ना। तो ऊपर वो कहते हैं भाई घुमा घुमा के ले जाती है। हाँ वो रूट देख लेना, पालमपुर से हो सकता है। और उससे भी बढ़िया बताऊँ मैं आपको ना, सीधा पठानकोट आके सीधा ट्रेन पकड़ो यहाँ से। पर यहाँ से मैंने यहाँ से 6 घंटे का रास्ता, 6-7 घंटे का रास्ता है पालमपुर से। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी ठीक है। सर मैंने पूछना है, जैसे मान लो 27 तारीख की, नहीं बेटा अंदर 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 27 तारीख की मान लो डेट है आ रही है, तो मुझे कितने दिन पहले मतलब जम्मू कब तक पहुंच जाना चाहिए? अगर 27 तारीख का आप परमिट किस डेट का ले रहे हैं वो देखना पड़ेगा आपको। मैं तो सर शुरुआत करूंगा बिल्कुल, मैंने करो आपने 27 तारीख को यात्रा शुरू करनी है तो आपको 26 तारीख की शाम को पहलगाम पहुंचना पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब 25 तारीख को मुझे जम्मू में होना चाहिए। हाँ जी, है ना, मैं ये थोड़ा कंफ्यूजन था इसलिए। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मतलब 2 दिन पहले। हाँ जी हाँ जी, तो आप एक दिन शाम को वहाँ पहुंच जाओगे। 25 को जम्मू पहुंचोगे तो 26 की सुबह आप जम्मू से निकलेंगे भगवती नगर से, 26 की सुबह निकलेंगे, 26 की शाम को पहलगाम पहुंच जाओगे, तो 27 को आपका परमिट होगा तो यात्रा शुरू कर दोगे आप। हाँ, तो एक दो दिन पहले पहुंचने पड़ेगा ना जी। हाँ जी हाँ जी।